एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज सेंटेंस सिखाने जा रहा हूँ। और पहला एग्जांपल देखिए, वह बातूनी है, ही इज ए चटर बॉक्स या ही इज ए टॉकेटिव। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप मित भाषी हैं या आप बहुत कम बोलने वाले हैं। यू आर रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला या मित भाषी। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वह आपका खुशामद करता है, ही फ्लैटर्स यू। फ्लैटर मानी खुशामद करना, लल्लू चप्पू करना, तेल लगाना। चौथा सेंटेंस, मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ, आई डू नॉट प्ले द सिकोफाइट। पांचवा सेंटेंस, वह कल कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर यस्टरडे। जब भी बीमारी से मरने के लिए डाई के साथ प्रिपरेशन ऑफ होगा, वो एड्स से मर गया, ही डाइड ऑफ एड्स। एग्जांपल, वे लोग कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। सेवन, मैं ना पत्थर हूँ ना मोम, आई एम नाइदर स्टोन नॉर वैक्स। वैक्स मनी मोम। एट देखिए, मीना ना सुंदर है ना क्रूर, मीना इज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर अग्ली। नाइन, तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझको गाली दो, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। टेन, मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो, मैं क्या करूँ। व्हाट शुड आई डू, मैं कब आऊँ, व्हेन शुड आई कम। इलेवन, वह इतना घमंडी है कि वह आ नहीं सकता, ही इज टू प्राउड टू कम। या ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट कम। ट्वेल्व, वह इतना बहादुर है कि लड़ सकता, ही इज ब्रेव इनफ टू फाइट। इनफ का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, टू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तेरह, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कभी झूठ ना बोलो, नेवर टेल लाइज। सच बोलने के लिए एक फ्रेज है स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलने के लिए टेल ए लाइज। भलाई करो और लोग तुम्हें याद करेंगे, डू गुड एंड पीपुल विल मिस यू। डू गुड का मतलब भलाई करना, नेकी करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो ऑफ डेली यूज सेंटेंसेज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।